7.4 जो आपका आज का होमवर्क है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। वाई आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स टर्म्ड एज गुड कंडक्टर्स, तो ये हमने पढ़ा था कि दे आयोनाइज कम्प्लीटली इंटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस सिंस दीज आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और एग्जाम्पल भी देना चाहें तो दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल NaOH या NaCl एक्वस सॉल्यूशन, देयर एक्वस सॉल्यूशंस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो पानी में हल हों या मोल्टन फॉर्म में हों। उसके बाद है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या वो आयंस बनाते हैं, तो आंसर है नो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट आयोनाइज इन वाटर, हेंस डू नॉट फॉर्म आयंस इन सॉल्यूशन। नंबर थ्री, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इसको आप आमने सामने भी लिख सकते हैं इधर और इधर, जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, पहले भी पढ़ा था डेफिनेशन और एग्जाम्पल, इसी तरह डेफिनेशन और एग्जाम्पल। नंबर फोर क्वेश्चन, ये आपके लिए नया होगा तो इसके लिए आपको ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है। असल में ये इनकी आपस की बॉन्ड स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी फार्मूला जो है आयनिक कंपाउंड वो स्ट्रॉन्ग या वीक हो सकता है। कॉपर और सल्फेट अगर आसानी से टूट जाएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये आप देखेंगे ये स्ट्रॉन्ग बन जा रहा है, तो ये अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, अगर ये वीक बॉन्ड है दरमियान का तो फिर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, जैसे कि कॉपर सल्फेट स्ट्रॉन्ग है। कार्बोनिक एसिड जो है इसमें से ये सारा नहीं टूटता, हाइड्रोजन अलग और कार्बोनेट अलग नहीं होता। कार्बोनिक एसिड आपको पता है आपकी सेवन अप पेप्सी वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में हल करते हैं कार्बोनिक, तो ये वीक एसिड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी होता है, ये भी वीक है, और HCl और सिल्वर नाइट्रेट ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है ये, और ये साल्ट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये इधर लिखेंगे और ये यहाँ लिखेंगे। उसके बाद है विच फोर्स ड्राइव्स द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू टेक प्लेस, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सादा लफ्ज़ों में जो है वो ड्राइव करती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को टेक प्लेस इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड एक्सटर्नली प्रोवाइडेड वोल्टेज, जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सादा लफ्ज़ों में कहते हैं। सोर्स और बैटरी प्रोवाइड्स द ड्राइविंग नहीं है ये, ड्राइविंग फोर्स फॉर ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो इसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस होता है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो एनोड पर हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन होती है, बार बार हम पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल क्लोराइड की दे सकते हैं, सोडियम की भी दे सकते हैं, सोडियम जो है वो उसमें, लेकिन सोडियम की नहीं देंगे क्योंकि वो सोडियम तो रिड्यूस होता है। जिंक की दे सकते हैं, जिंक जो है वो दो इलेक्ट्रॉन देकर जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो भी दे सकते हैं, और ये वाली इक्वेशन भी आ सकती है, दो क्लोरीन के एटम और ये फिर अगले स्टेप में मिलकर Cl2 क्लोरीन गैस बना देंगे। तो चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे गैल्वेनिक हो, दोनों में ऑक्सीडेशन जो है वो किस पर होती है, एनोड पर, रिडक्शन जो है वो कैथोड पर होती है। क्वेश्चन नंबर एट, वाई पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो इसमें इसका आंसर पहले भी जो हमने एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन पढ़ा था कि एनोड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ बैटरी, ये भी साथ अगर ऐड कर लें कि इसमें बैटरी या इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से ये ऑक्सीडेशन करवाई जाती है इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ नेगेटिव आयंस टेक्स प्लेस एट पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एन एनोड, तो ये बाहर से करवाते हैं इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर ये खुद जो है अपनी पावर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता तो फिर ये एनोड नेगेटिव चार्ज हो जाता, जैसे गैल्वेनिक सेल्स में, गैल्वेनिक या डैनियल सेल में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिए, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हाइड्रोजन आयन, ये आपको याद होगा मैंने कहा था ये MCQ भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी, तो हाइड्रोजन आयन कैट आयन है तो ये कैथोड की तरफ चला जाएगा जिसका नेगेटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन किधर जाएगी या कहाँ प्रोड्यूस होगी, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन से ऑक्सीजन हासिल होती है, हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में पढ़ा था, और वो किधर जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज कैथोड की तरफ जो एनोड है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, ये आपको पक्का याद करना पड़ेगा, कहीं पे एनोड पॉजिटिव हो जाता है कहीं पे नेगेटिव हो जाता है,
तो आप ये ना कहेंगे जी ये मुझे याद नहीं होता, ये समझ के आपने करना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव है और गैल्वेनिक या डैनियल सेल में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैटाइन्स मूव टूवर्ड्स कैथोड, ये क्वेश्चन है, टूवर्ड्स विच इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मूव द कैटाइन्स एंड व्हाई व्हाट डू दे डू देयर। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैटाइन्स मूव टूवर्ड्स कैथोड और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड वेयर कैटाइन्स रिसीव इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस रिड्यूस टू न्यूट्रल स्पीशी और आर डिस्चार्ज्ड। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ये सारे क्वेश्चन लिख के दिखाने हैं आपने। हाउ द हाफ सेल ऑफ गैल्वेनिक सेल आर कनेक्टेड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का फंक्शन इसमें आ गया कि वो चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कनेक्टेड बाई साल्ट ब्रिज विच इज़ ए यू शेप्ड ग्लास ट्यूब फिल्ड विद सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन आयन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सच एज पोटेशियम नाइट्रेट या KBr भी मैंने आपको बताया था। द टू एंड्स ऑफ यू ट्यूब आर सील्ड विद कॉटन। इसका मकसद क्या है कि ये उसको न्यूट्रल करने के लिए, ठीक है जी, और ग्लास वूल भी हो सकती है, कॉटन भी हो सकती है और ग्लास वूल भी हो सकती है। तो यहाँ तक हमने जी ख़त्म कर लिया है इसको। तो कोई क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, अपनी कन्फ्यूजन दूर करें और फिर इसको अच्छे तरीके से तैयार करके तो इसके पेपर दें, ठीक है, टेस्ट में। ओके, और काम भी ज़रूर चेक करवाएं, कॉपीज़ अपनी भेजें। अल्लाह हाफिज़।